नमस्कार हिमाचल वासियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। विश्व कप फाइनल के लिए माल रोड पर लगेगी LED स्क्रीन, महापौर ने दिए निर्देश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाला क्रिकेट का विश्व कप फाइनल मैच राजधानी के माल रोड पर भी देखने को मिलेगा। वीकेंड पर शिमला आने वाले हजारों सैलानियों और शहर के लोगों को खिताबी मुकाबले का रोमांच देखने के लिए नगर निगम माल रोड पर बड़ी LED स्क्रीन लगाने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं टाउन हॉल के आसपास यह स्क्रीन लगाई जा रही है। यहां लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस रोमांचक मुकाबले को देखने माल रोड पहुँच सकते हैं। वहीं नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान मुख्यमंत्री को इसके लिए न्योता भी देने जा रहे हैं। एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप में नेपाल के अमन थापा ओवरऑल चैंपियन। नरवाड़ा में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में नेपाल के अमन थापा ओवरऑल चैंपियन बने। कुल 7 राउंड में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें विजेता बनने पर 1.5 लाख रुपए और 24 कैरेट सोने का मेडल भेंट किया गया। वहीं भारत के अक्षय कुमार दूसरे और सुशांत ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा अक्षय कुमार को 1 लाख और सिल्वर मेडल और सुशांत ठाकुर को 75,000 रुपये और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। महिला वर्ग में बीड की तरुन्नम ठाकुर विजेता बनी। भारत की ही स्वप्ना कुमारी दूसरे और ऑस्ट्रेलिया की पोलिना तीसरे स्थान पर रहीं। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हिमाचल में नशा सप्लाई करने वाला पंजाब से गिरफ्तार। पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार शिमला के 2 युवकों के मामले में अब पंजाब से हिमाचल में हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। ASP योगेश रोल्टा ने बताया कि पुलिस द्वारा जिला में हेरोइन और अन्य ड्रग्स की तस्करी पर लगातार कड़ी नज़र रखी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने 7 बड़े हेरोइन तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। वहीं कुछ दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि शिमला से 2 युवक हेरोइन खरीदने के लिए जीरकपुर गए थे और वे वहां से 6.17 ग्राम हेरोइन लेकर शिमला जा रहे हैं। इस सूचना पर स्पेशल टीम ने शिमला निवासी मेहुल और अचल बरागटा को हेरोइन की खेप के साथ दोहरी दीवार सोलन में गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये दोनों आरोपी पंजाब के एक हेरोइन तस्कर रोहित से लगातार हेरोइन खरीदते आ रहे हैं। हिमाचल में सरकारी रेस्ट हाउस में जुआ 2 कर्मचारियों को बिजली बोर्ड ने जारी किए नोटिस, रामपुर में पुलिस ने धरे 19 जुआरी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी रेस्ट हाउस में जुआ खेला जा रहा है। शिमला जिले की रामपुर पुलिस ने बंगला स्थित बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस में जुआ खेलते हुए 15 जुआरी पकड़े। इनसे 1,47,200 रुपए की नकदी बरामद की गई। वहीं इस पर बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। रामपुर के ही नोगली में एक कमरे में रेड के दौरान पुलिस ने 4 लोग जुआ खेलते पकड़े। इनसे 10,150 रुपए की नकदी बरामद की गई। इस तरह रामपुर पुलिस ने कुल 19 जुआरियों को 1.57 लाख से ज्यादा की नकदी के साथ पकड़ा है। वहीं DSP शिवानी महला ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूबे में पहली बार जियोथर्मल तकनीक से बनेंगे कोल्ड स्टोर, आइसलैंड सरकार ने रखा प्रस्ताव। हिमाचल में पहली बार जियोथर्मल तकनीक से कोल्ड स्टोर बनेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किन्नौर जिले के टापरी, रिब्बा और समदो में कोल्ड स्टोर स्थापित होंगे। आइसलैंड सरकार प्रोजेक्ट में सहयोग देगी। प्रदेश सरकार को इसको लेकर आइसलैंड सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला है। वहीं आज आइसलैंड के राजदूत के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। चलती कार में भड़की आग, चालक ने शीशा तोड़कर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर उपमंडल झंडूता की ग्राम पंचायत बड़गांव गलू के गांव डोहक अमलिया में चलती कार में आग लग गई।
चालक ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। इसके बाद कार पूरी तरह से जल गई। जानकारी के अनुसार शशि कुमार निवासी गांव बुखर डाकघर नगहार तहसील झंडुता अपनी कार में ऊना के लठियाणी से वापस घर आ रहे थे। घर से कुछ दूरी पर कार के पीछे से धुआं निकलने लगा। आग लगने का एहसास होते ही शशि कुमार ने कार को रोक दिया। वहीं बाहर निकलने के लिए वो दरवाजा खोलने लगे तो नहीं खुला। वहीं सुनसान जगह होने के चलते उन्हें आसपास से कोई मदद भी नहीं मिल सकी। शशि कुमार ने सूझबूझ से काम लेते हुए किसी तरह कार का शीशा तोड़ा और समय रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। दमकल विभाग को भी घटना की सूचना दी गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। हिमाचल के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रिटेन में विकसित होगा बाजार। हिमाचल प्रदेश और ब्रिटेन की समान जलवायु के चलते हिमाचल के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रिटेन में बाजार विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह बात ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के नेतृत्व में शिष्टमंडल के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने इस संदर्भ में उप उच्चायुक्त से ब्रिटेन में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने में सहयोग का आग्रह किया। मंडी में 244 जेबीटी पदों के लिए 20 नवंबर को होगी काउंसलिंग। मंडी जिले में अनुबंध के आधार पर जेबीटी के 244 पदों के लिए बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया 20 नवंबर को प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक मंडी के कार्यालय में होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक मंडी अमरनाथ राणा ने बताया कि जो उम्मीदवार निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है वो 12 जिलों में से अपने ज़िले में ही काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। मल्टीटास्क वर्कर के 4,500 पद भरेंगे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, होगा बहाल, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आईपीएच विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के 4,500 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पैराफीटर, पैरापंप ऑपरेटर शामिल है। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने शिमला, चौपाल और कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के तहत लाने की मंजूरी दे दी। इससे इन क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण पर रोक लग सकेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा का सत्र 19 से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में मोटर वाहन कर की एक मुश्त छूट के साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RBSF में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एक मुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समय अवधि के लिए लागू होगी। जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये है हिमाचल प्रदेश की संध्या की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।